डार्लिंग एक और बकरा कट गया आज, मजा आ गया आज। हाथ क्यों उठा रहे हो, नाराज क्यों हो रहे हो? एक एक बात बताओ, क्या नाराजगी क्या वो बताओ। चलो जूते मांगे थे ना लुई वुइटन तो जूते आ ना जूतों के साथ कुछ और चाहिए तो वो भी ले लेना। ऐसा नहीं, इन आउट कर, इन आउट यार हमारे बीच में इन आउट कैसे आ गया यार? हमने दूसरों को इन लेना है, पैसा लेके आउट करना है, तुमको क्या है करना उससे यार? मैं ब्रेकअप कर लूंगी। ब्रेकअप नहीं नहीं नहीं, मेरे मेरे सोना ऐसे ब्रेकअप का सोनी मत। टिकटॉक पे पूरे दो फॉलोअर कम हो गए मेरे, पूरे दो। सिर्फ सिर्फ दो ही तो हुए, जानू वो बढ़ जाएंगे वापस। दो फॉलोअर से क्या होता, मैं तुमको 20 लाख दे देता हूं। तुम ही तो सब कुछ जानती हो, ऐसे थोड़ी है। अभी बात बताओ, वो चला गया एक बकरा कट के हलाल हो गया, शाम को दूसरा समीर आने वाला है यार, उसको भी तो लेना ना पैसा। अच्छा उसको तुमने कॉल किया कि नहीं किया? कॉल तो किया है। एक बात बताओ जानू, एक बात बताओ, तुम कॉल करते हो तो मेरे को बकरे मिलते हैं, अगर तुम कॉल नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं जानती, मेरे जूते आएंगे तो मैं रहूंगी, वरना मैं ब्रेकअप करके आज ही चले जाऊं। सब कुछ जानती हो, ये हमारा अपना काम है यार। एक बात बताओ, मैंने तो तुमको सिंगापुर का भी ट्रिप देने का सोचा हुआ है। लोनावला की बात कर रही हो, ये तो ऐसा हो गया जैसे मैं तुमको चीज खिलाने की बात करूं और तुमको घर की मलाई चाहिए, ऐसा थोड़ी रहता डार्लिंग। ठीक है, इस ऑफिस के बाहर वो टपरी तक चाय पीने नहीं जाते और तुम्हें मेरे को टपरी, यार तुम टपरी की चाय छोड़ो, मैं तुमको यहाँ पे सब कैन खिलाता हूँ, तुम सोचते नहीं हो तुम। एक बात बताओ, मैं तुमको बोल रहा हूँ फनी समीर आने वाला, बस अपना ऐश करते हैं यार, तुम क्यों टेंशन लेते हो? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने पहचाना नहीं आपको, आपको ऐसा नहीं बोलो तेरा। ओ हाँ हाँ हाँ, अरे डाली इनके बारे में तो बात हो रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए समीर भाई, आइए बैठिए बैठिए। अभी आप ही की बात हो रही थी, मेरे बारे में बात कर रहे थे। हाँ अभी आपकी बात चल रही थी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या लोगे, चाय पानी ठंडा कुछ? चलो वैसे लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि ठंड का मौसम है, एक्टर बनना है ठंड का मौसम है, वैसे ही तो तबीयत खराब हो जाएगी, गला खराब हो जाएगा। अभी एक्टर बनना है, सुपरस्टार बनना है तो तबीयत को तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, है कि क्यों डाली? तो आपने अभी क्या क्या काम किया है? मैं तो मुंबई में नया हूँ, कुछ काम नहीं किया अभी। अच्छा अच्छा, कितने टाइम प्रेशर हो? 6-7 महीने कुछ। 6-7 महीने हो गए? अच्छा अच्छा, तो अभी कुछ किए हो कि नहीं किए हो मुंबई में? अच्छा अभी तक कोई काम मिला नहीं पहले? नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप किसी से मिले मिले यहाँ पर मुंबई में कि क्या किया? नहीं, इससे पहले एक प्रोफेशन में गए थे। हाँ तो वहाँ से कुछ हुआ ही नहीं? नहीं 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 साहब, देखो कैसा है, मुंबई में आपको हर भी बोलेगा कि मैं आपको काम देता हूँ, मैं आपको काम देता हूँ, पर काम में एक्चुअली कोई देता नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताऊँ, मुंबई में आपको मेरे सिवा कोई काम दे नहीं सकता, आप एकदम सही जगह आए हो, सही बंदे के पास आए हो। नहीं डाली, हाँ एकदम सही जगह आयो साहब, क्योंकि हम आपको काम दिलवाएंगे। हाँ। और ऐसा नहीं, हम दूसरों की जैसे नहीं करते ऑडिशन लो ऑडिशन लो, ये करो वो करो, धूप में खड़े रहो, हम डायरेक्ट काम करते हैं। हम ऑडिशन लेते नहीं है, आपने क्या करना है, हमारा से छोटा सा प्रोसेस रहता है, आपने सिर्फ एक प्रोसेसिंग फीस हमारे पास जमा करानी रहती है। हम तो ऑडिशन लेते ही, रजिस्ट्रेशन फीस लो, सीधा यहाँ पे काम शुरू करो। हमको कोई मतलब नहीं है, ये वो जो जिससे काम करना है थोड़ा इन्वेस्टमेंट दे, लेकिन फायदा आपका? हाँ, नाम भी तो है, एक बार फेमस हो गए फिर तो साहब पैसा ही पैसा है, फिर तो पैसा फिर... आपको कोई कमी नहीं है, बस आपको स्टार्टिंग में हमारी तरफ से कि हम आपको उस डायरेक्टर तक पहुँचाए उतना आपको बस बढ़ दे, बाकी तो सारा छुट्टी में हम है ना डाली। फिर सही बात है, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे जाने से पहले एक बंदा आया था, आज रात को पैसा हमें ट्रांसफर कर रहा हमारे अकाउंट में, तुमने लोगों का नहीं जी भरोसा है हमारे ऊपर, जी माता रानी की कृपा, भरोसा कर दो। हाँ अभी अभी कर दो, ऑनलाइन ही करो, आजकल ऑनलाइन का जमाना है। मेरे मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूं। हाँ डालिए वो डिटेल दो, कैश तो हम लेते ही नहीं, कैश में क्या कभी फ्रॉड हो जाए कुछ हो जाए। अच्छा भाई आपके पास ही सबूत होना चाहिए कि आपने हमको पैसा दिया है कि नहीं? मैंने भेजा है, सब मिलाकर आपका 1,60,000, सिर्फ 1,60,000 बताओ। 1,60,000? नहीं यार ये अब बताओ यार, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए अच्छे घर से नहीं आई डालिंग, अच्छे घर से लगते भी हो और पिक्चर में और, भी और, हो बॉडी 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 स्ट्रक्चर देखो, बॉडी स्ट्रक्चर देखो कमाल है कि नहीं? अभी अभी तो जब शर्ट उतारे आज तो ऐसे दिखेंगे वो, अभी कर दूं क्या? नहीं शर्ट नहीं होते ना तो मैं तो आपके पीछे पागल। नहीं 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 जी, बॉयफ्रेंड नहीं, हमारा अच्छा रिलेशनशिप है अभी डालिंग, अभी हम शादी करने वाले हैं। नहीं डालिंग ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो मैंने आपको भेजा है। हाँ ठीक है,
आप पेमेंट अभी कर दोगे तो आपको जल्दी काम हाँ, वो जल्दी पेमेंट इतना जल्दी काम तो अभी कर रहे हो ना आप पेमेंट है ना। हाँ चलो डाले बस 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 आ गया आ गया आ गया पेमेंट आ गया आपका बस बस थैंक यू सो मच। अभी आप जाइए हम आपके काम करेंगे। देखिए हाँ इस सैटरडे हम अभी उनसे मीटिंग कराएंगे आपकी हाँ। और इस संडे को छोड़कर अगले संडे से आपका शूट स्टार्ट हो जाएगा हाँ। आप हमको थर्सडे को आकर मिलिए हाँ हाँ। थर्सडे को आपकी स्क्रिप्ट आपका साइनिंग अमाउंट और आपकी सारा चीजें जो भी आपके शूट से रिलेटेड है वो सब आपको मिल जाएगी। सही बात है। और टेंशन आपकी अब हम नहीं लेंगे। बहुत अच्छा। आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस समझिए आपका काम हो गया आपको काम मिल गया और आप इतने बड़े सुपरस्टार आप बनोगे आप सोच भी नहीं सकते भाई। मेरे पास आए मुंबई में मेरे सिवा आपको कोई काम दे नहीं सकता। तो आप सुपरस्टार बन गए सुपरस्टार बन गए। चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। समीर जी फिर काम करते हैं साथ में है ना। मैं आपको शूटिंग का सारा डिटेल दे देता हूँ। आपने पैसा तो ऑनलाइन दे ही दिया। चलो ठीक है ठीक है। माता रानी की कृपा रही तो बहुत आगे तक जाएंगे है ना। हाँ जी हाँ जी। बाय बाय समीर भाई। बाय 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 जो चाहिए डाले। एक बात बताओ एक पैसठ वो रात को दे रहा है एक पैसठ अभी दे रहा है एक पैसठ कितना हो गया ना। अच्छा हाँ तो फिर अभी एक बात बताओ इसमें क्या सिंगापुर का ट्रिप नहीं हो जाएगा हम दोनों का फिर आराम से हो जाएगा है कि नहीं। 2 लाख के जूते Yes! क्या भाई इतना परेशान क्यों दिख रहा है? क्या बोलो भाई ये ऑफिस बंद पड़ा है। ये मेरा 165,000 रुपया दे चुका है। 165,000 रुपया तू दे चुका है? एक्टिंग करता है जी। इतने पैसे देने से पहले कुछ सोचना तो चाहिए। सर वो उसने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आपको काम जरूर दे देंगे इसलिए हम सर मत बोल भाई हूँ तेरे जैसा। तुम लोग पे रहम आ जाती है। ये काट लो यहाँ पे जेन्युइन ऑडिशन चल रहे हैं ठीक है जल्दी आके दे दो। हाय मैम। हाय मैडम यहाँ किसी ने एड्रेस दिया है यहाँ ऑडिशन चलता है क्या? हाँ चल रहा है ना। वैसे आपकी एज क्या है? 20। ओके ये लो ये आपकी स्क्रिप्ट है। आपको आधे घंटे का टाइम देती हूँ। आपको आधे घंटे के बाद ऑडिशन देना है सर के सामने। ओके ओके मुझे सारे ऑडिशन हो गए ठीक है। लेकिन वो जो लड़का आया वाला उसको ठीक है। समीर मल्होत्रा आप अंदर आ जाओ। अरे सर आप तो वही हो ना जी भाई। हाय कैसे हो? ठीक रेडी कर लिया। हाँ जी अच्छे से ऑडिशन दे रहे हैं जी सर। ओके ओके रेडी हो? रेडी। चलो चलो ऑडिशन करते हैं। समीर इसमें कुछ कोई टेंशन लेना नहीं है। तुम्हारा रोल फाइनल है ठीक है बिकॉज ऑडिशन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन कर रहा हूँ ठीक है। ओके सर कोई फेक ओके बात नहीं है। जो तुमने पीछे किया वो सब कुछ नहीं ठीक है। गुजारा चीज बोल जाओ और सुनो मुझे इसके साथ ठीक है। और जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी चीज चाहिए तो मैं प्लीज इससे कॉन्टेक्ट करना। ओके ओके समीर ओके। अरे पर मेरे को उनसे आप मिलने तो दो। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे मुझे? नहीं सर आप अभी नहीं मिल सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल सकते? कास्टिंग डायरेक्टर है ऑडिशन देने बैठे हैं। ऑडिशन मेरा देना है के? नहीं सर उनको बहुत सारा काम है। आप फिर कभी आ जाना। ऑडिशन ऑडिशन लेना ही काम है उनका और मैं वही देने आया हूँ। सर आप अपॉइंटमेंट प्लीज मेरे पास सुनिए। आप अपॉइंटमेंट एक बार बताओ पूजा कौन है बार? सर वो सरनजीत करके कोई आए हैं कह रहे हैं कि मुझे एक रोल पक्का करके दे दो मैं उसके पैसे भी देने को तैयार हूँ। भेजो। हेलो सर। अबे साले अबे वो नहीं है कौन तू पकड़ कैसे रहा? सॉरी भाई सॉरी करना मेरा गलती से हाथ इधर उधर चले जाता है। गाड़ी का टायर समीर समझाओ कौन कौन से लोग रखे हुए आपने पता नहीं
जैसे जैसे पागल आ जाते हो ऑडिशन के लिए, तो क्या क्या है? मैं भी आपकी जैसी कास्टिंग करता हूँ, ऑडिशन लेता हूँ, लोगों को पिक्चर में काम भी दिलाता हूँ। 15 साल से मुझे एक्सपीरियंस है एज ए प्रोड्यूसर, एज ए एक्टर। इसने आपका मुझे क्या पता, ना मैंने उसे कभी देखा ना उसने कभी मुझे देखा, क्या पता क्यों पता। आपका नाम मेरे कानों में बहुत बार पहुंच चुका है। सर अच्छे के लिए पहुंचा होगा? नहीं, अच्छे के लिए नहीं पहुंचा है, फिर बहुत बुरे कामों के लिए। अरे नहीं नहीं सर, माता रानी आज तक ऐसा कभी कोई गलत काम किया नहीं। आपका बेवकूफ मत बनाओ, ऑफिस वाले की बात ही नहीं। पहले मैं बोल रहा हूँ, आप जो ये ऑफिस के बाहर आके जो नाटक कर रहा है, ये नहीं चलता है। नहीं, बात नाटक की नहीं। मैंने 100 बार बोला मुझे अंदर जाने दो, नहीं जाने दे रहे तो क्या करूँ? क्या पैसों की बात कर रहे थे? पैसा मैं एक हेल्प करने के हिसाब से बोल रहा था। जैसे आपको अगर मूवी बनाने में कुछ हेल्प लगे तो मैं करने को तैयार हूँ, वो बोल रहा था। ऑफिस के बाहर बोर्ड आपको पता है कौन से ऑफिस पे आप आए हो? हाँ पता है। तो यहाँ कोई हेल्प नहीं होता है? और आप जो खेल खेलते हो वो खेल बंद करो। नहीं नहीं, खेल की बात ही नहीं है, शरीफ लोग है, ऑडिशन करते हैं, कास्टिंग करते हैं, पिक्चर में काम दिलाते हैं। तो फिर यहाँ पे मेरे ऑफिस में क्यों? नहीं, वो तो मैंने ये सोचा कि मिलके काम करेंगे तो और ज्यादा काम अच्छा बढ़ेगा। अभी मतलब धन्यवाद, मुझे आप जैसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलो, मैं तो प्रपोजल लाऊं आपके लिए, इतना अच्छा हो रहा, ऐसे रूडली बात कर रहे हो मेरे साथ। कोई रूडली बात नहीं करो, मुझे कोई प्रपोजल की जरूरत नहीं है। सो प्लीज सर, ये गलत बात है। बोलो, मैं तो एक गिफ्ट लेने, गिफ्ट देने के हिसाब से आऊँ आपके पास कि मिलके काम करेंगे। आपके अंदर समझदारी है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मैं भी पुलिस को कॉल करूंगा, कोई ऐसे उठा के ले जाए। अब यहाँ पुलिस कैसे आ गई बीच में? ऐसे किसी का ऑफिस में कैसे किसी बात बात कर सकते हैं? नहीं, बहसबाजी नहीं कर रहा मैं, गलत बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ काम करने की बात कर रहा हूं। सुनो, तुम्हारे जैसे ना 1860 मेरे सामने ऐसे घूमते फिरते हैं और इसेंस प्रोडक्शन धमका दे। निकलो, चलो, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। नहीं करना था, मत करो। चलो, बहुत बैठे काम देना।